الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ये मुहर्रम का महीना है और अरबी साल का ये पहला महीना है। इसी से साल की शुरुआत होती है और ये हुरमत वाले महीनों में से एक महीना है। इस महीने के अंदर आशूरा का जो दिन है ये वो दिन है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अली सलाम और उनकी कौम को फिरौन और उसकी कौम के ऊपर गलबा दिया था। हक को बातिल के ऊपर गलबा दिया था। मूसा अली सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने फिरौन के सामने, जो कि अपने जमाने का सबसे बड़ा तागिया था, सबसे बड़ा सरकश था, उसके सामने अल्लाह तबारक व ताला ने इसी दिन फतह नसीब की थी। फिरौन का तरीका ये था, जब उसने नुजूमियों से मशवरा लिया और मशवरा लेने के बाद में जब उसे बताया गया कि बनू इसराइल के एक बच्चे के हाथ पे उसकी हुकूमत का खात्मा होगा, तो उसने ये तरीका इख्तियार किया कि बनू इसराइल के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होते थे उन सारे बच्चों को उसने कत्ल करना शुरू कर दिया और बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया करता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत फिरौन के इस हथकंडे के ऊपर गालिब आई और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को सिर्फ यूं ही यही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदा बचाया, बल्कि मूसा अलैहि सलाम की परवरिश फिरौन के घर के अंदर भी। और जब मूसा अलैहि सलाम बड़े हुए तो बड़े होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को नबी बनाकर खुद फिरौन के पास भेजा। हल अता के हदीस मूसा इज़नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुकद्दस तुवा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को नबी बनाकर खुद जो है फिरौन के पास भेजा, उसे वाज़ो नसीहत करने के लिए, उसे दीन के तरफ पलटने के लिए। और अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है, वो सरकशी करने लगा। नानचे मूसा अलैहि सलाम फिरौन के पास आए और आकर मूसा अलैहि सलाम ने उसे वाज़ो नसीहत की, दीन के हकायक को फिरौन के सामने मूसा अलैहि सलाम ने वाज़े किए। और जब मूसा अलैहि सलाम के हकायक का उसके पास कोई जवाब नहीं था तो उसने मूसा अलैहि सलाम के ऊपर जादूगर होने का इल्जाम लगाया कि मूसा ये सारी बातें जो कर रहे हैं वो जादू की बिना पे कर रहे हैं। और इसलिए उसने तो सबसे पहले, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि मूसा अलैहि सलाम की दावत का उसने इनकार किया, फकज़ब व असा सुम्मा अदबर यसा फहशर फनादा फकाल अन रब्बुकुमुल आला। मूसा अली इस्लाम की दावत का उसने इनकार किया, इनकार करने के साथ साथ वो जो है पीछे पलटा और पलटने के बाद लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, अना रब्बुकुम अलाला, सबसे बड़ा माबूद, सबसे बड़ा परमेश्वर तुम्हारा मैं ही हूँ, इसलिए तुम मेरी इबादत करो। और मूसा अली इस्लाम की उसने तकदीब की, मूसा अली इस्लाम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मूसा अली इस्लाम जादूगर। चुनांचे उसने जादूगरों को इकट्ठा किया
एक मुकर्रर वक्त के अंदर जादूगरों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद ये ऐलान कराया गया कि अगर जादूगर गालिब हो गए तो हम उनकी इत्तबा करेंगे। मालूम कि एक मुकर्रर वक्त पे सारे के सारे जादूगर इकट्ठे किए गए। वकील अलिन्ना से हल अंतुम मुश्तमिउन, और लोगों को बुलाया गया उस मजमे के अंदर, सारे लोगों को दावत दी गई इकट्ठे होने के लिए, और सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए, और उसका मकसद ये था कि लअल्लना नत्तबिउ सहरता इन कानू हुमुल गालिबीन, कि अगर ये जादूगर गालिब आ गए तो हम उनकी इत्तबा करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन बातिल हक के ऊपर कभी गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हक को गलबा अता किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम जो चीजें लेकर आए हो, ये जादू की चीजें जो लेकर आए हो, उन सारी चीजों को डालो। उन्होंने डाला, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी को डाल दे, और फिर लाठी के डालते ही जो है वो करिश्मा शुरू हुआ, वो मोजजा शुरू हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर रखा। चुनांचे वो सारे के सारे जादूगर जो है मगलूब हो गए, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने यूं बयान किया है, फगुलिबु हुनालिक वनकलबु सागिरीन, कि वहां पे जो है सारे के सारे मगलूब हो गए, जादूगर भी मगलूब हो गए, वो सारे के सारे मजमे वाले जो जादूगरों की जीतने की सूरत में उनकी इत्तबा और पैरवी करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो सारे के सारे मगलूब हो गए। और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को गलबा अता किया, और वो जादूगर जो कि जादू का करिश्मा दिखाने आए थे, जब उनको ये पता चल गया कि नहीं वो हक पे नहीं है, तो वो सारे के सारे सजदे की हालत में गिर गए और कहा कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कि हम रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान रखते हैं, रब्बी मूसा व हारून, जो कि मूसा और हारून का रब। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को गलबा दिया, गलबा अता किया। लेकिन फिरौन जो कि बातिल परस्त था, और जो कि बातिल के ऊपर लोगों को बातिल को कबूल करने के लिए लोगों को मजबूर करता था, उसने जो है कभी भी मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, और बनी इसराइल के ऊपर उसने ज्यादती मजीद ज्यादती करना शुरू कर दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकल पड़े, और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को रातों रात लेकर वहां से निकल गए। और फिर जब आगे जो है, जब मूसा अलैहिस्सलाम के निकलने की खबर हुई, फिरौन को जब पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकल गए हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन ने ताकुब किया, और इकट्ठे भी हुए ऐसी जगह पे कि आगे जो है दरिया है और पीछे से जो है ये फिरौन और उसके लश्कर हैं। तो इसे देखने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग ये कहने लगे कि अब तो हम मारे गए, आगे दरिया है और पीछे से फिरौन जो है अपने पूरे लश्कर के साथ हमारा पीछा कर रहा है, तो अब हमारे लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं, अब हम सारे के सारे मारे गए, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। फलम्मा तरा अल-जमान قال اصحاب موسى اننا لمدركون, कि अब तो हम मारे गए, पकड़ लिए जाएंगे, और फिरौन अब हमें बख्शेगा नहीं। लेकिन मूसा अलैहि सलाम ने, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने वही की थी और अल्लाह तबारक व तआला ने गलबे का वादा किया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने दो टोक लफ्जों में कहा, कल्ला इन मई रब्बी सयहदीन, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ है, मेरे साथ मेरा रब है, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी रहनुमाई करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें गलबा अता करेगा। और इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कुल और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसे का इजहार किया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरिए के ऊपर लाठी मारी, जिसके अंदर जो है 12 रास्ते बन गए, और इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी बनू इसराइल के लोग आए थे, वो सारे के सारे लोग दरिया के अंदर दाखिल हो गए, उस रास्ते के जरिए से दरिया के अंदर दाखिल हो गए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम बनू इसराइल के साथ बाहर निकले, और फिरौन जब अपने लाओ लश्कर के साथ वहां पे पहुंचा और देखा कि दरिया के अंदर रास्ते बने हुए हैं, तो उसने भी हुक्म दिया अपने लश्कर को उसके अंदर दाखिल हो जाने का। और जब सब के सब उसके अंदर दाखिल हो गए, फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ जब दरिये के अंदर दाखिल हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम पूरे तौर पे बनी इसराइल के साथ बाहर निकल गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को हुक्म दिया, और इस तरीके से वो पानी आपस के अंदर मिल गए, और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को निजात दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और उसकी कौम को जो है हलाक किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा किया था
قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ये वो जो वादा किया था अल्लाह तबारक वाला ने उन्हें जमीन का वारिस बनाने का, उस वादे को अल्लाह तबारक वाला ने पूरा किया। और इसी मुनासिबत से यहूदी जो है, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम ने रोजा रखा था, तो इसी मुनासिबत से यहूदी भी जो है आशूरा का रोजा रखा करते थे। तो आशूरे की ये हकीकत है और ये तारीख है कि इस दिन अल्लाह तबारक वाला ने मूसा अलैहि सलाम और उनकी कौम को निजात दी थी। चुनांचे मूसा अलैहि सलाम ने रोजा रखा और फिर उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजा रखा और सहाबे कराम को रोजा रखने का हुक्म दिया। बल्कि इस रोजे की फजीलत को बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पिछले पूरे एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को मुखालफत करते हुए ये भी कहा कि 9 तारीख का भी रोजा रखा जाए। बहरहाल आशूरा की यह हकीकत है। और इसी के दिन जो है करबला के अंदर शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पेश आया। और इस शहादत के पीछे सबाइयों का जो फितना था और उनकी जो साजिश थी, ये सारी की सारी साजिश यानी तारीख की किताबों के अंदर मौजूद है और हमारे मुकर्ररीन जो है इसको बयान करेंगे। तो इस तरीके से इसी दिन जो है करबला के अंदर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी पेश आई। और ये इस शहादत की वजह से मुसलमान जो है दो हिस्सों के अंदर यानी तकसीम हो गए। और इसके सिलसिले में एक वो लोग हुए जो कि इस दिन को जो है खुशी का दिन बनाते और दूसरे वो लोग हैं, जी शेख बस दो मिनट, एक मिनट इंशाल्लाह, और दूसरे वो लोग हैं जो कि इस दिन को मातम का दिन बनाते हैं। लेकिन ये दोनों की दोनों चीजें गलत हैं। और सही तरीका वो है जो कि अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है कि इस दिन जो है यानी किसी तरह का न तो मातम मनाते हैं और न ही किसी तरह की खुशी मनाते, बल्कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस दिन की जो फजीलत साबित है, रोजे की फजीलत, और रोजा भी इसलिए रखना है क्योंकि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम और उनकी कौम को निजात दी थी। तो उसी की यानी उन अहादीस और इन यानी जो ये दलाइल है, उन दलाइल की रोशनी में जो है जो अहले सुन्नत वल जमात है उनका तरीका यह है कि सिर्फ जो है जो शरीफ चीज है उस काम को करते हैं और जो गैर शरीफ चीजें हैं उन सारी चीजों से बरात का इजहार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पे दीन को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआ रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।